शांति दो अप्रैल भगवान आए हैं तुम बच्चों के सामने ज्ञान डांस करने तुम गोद में बैठे हो दो युग तुम देवताओं की गोद में रहे अभी गोद में हो क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद बने हो बहुत सुंदर शब्दों से बाबा शुरुआत कर रहे हैं कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ तुम बच्चे जब सर्विस बन जाते हो बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाते हो बाबा का काम करने लगते हो बहुत और जब तुम बाप के सामने आते हो तो बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है ज्ञान डांस का अर्थ है स्वयं भगवान आकर ज्ञान देते हैं तो डांस जैसी होती है ना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं कहते मेरे द्वारा ही पहले तुम मुझे जानो और फिर इस सृष्टि में पीस प्योरिटी हैप्पीनेस कैसे स्थापित होती है ये मेरे द्वारा तुम जान सकते हो ये भारत कितना महान था देवी देवताओं की दुनिया थी कैसे पतन हुआ फिर ये कैसे देवताओं की दुनिया बनेगी ये सारे सृष्टि के आदि मध्यंत के राज तुम मेरे द्वारा जानते हो इसको कहते हैं ज्ञान डांस करना बाबा उदाहरण देते हैं जैसे डांसिंग गर्ल हो कोई डांस करने वाली लेकिन सामने पांच सात लोग ऐसे ही बैठे हों जिनको डांस में कोई रुचि ना हो तो उसका डांस होगा ही नहीं ना और अच्छी सभा लगी हो वाह वाह करने वाले बैठे हों डांस के प्रेमी बैठे हों तो डांस कितना अच्छा होगा तो बाबा कहते मेरे सामने भी जब बहुत अच्छी आत्माएं बैठी होती हैं ज्ञानवान सर्विसेबल बहुत अच्छा कार्य करने वाली तो मैं भी ज्ञान का जैसे डांस करता हूं गुहे गोइये बातें तुम सबको सुनाता रहता हूं तो कितना सुंदर समय आया है जब भगवान स्वयं ज्ञान देने आए हैं लेंगे उसका ज्ञान मनुष्यों से ज्ञान सुने गुरुओं से ज्ञान सुने पंडितों से कथाएं सुनी लेकिन भगवान से संपूर्ण ज्ञान सुनना ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़े भाग्य की निशानी है क्योंकि जब वो स्वयं ज्ञान देंगे तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा हम सब जानते हैं वेद पढ़ने के बाद दर्शन उपनिषद गीता सब पढ़ने के बाद सत्य की खोज मिटती नहीं जब भगवान स्वयं आके ज्ञान देते हैं तब सत्य की खोज समाप्त हो जाती है यही उस परम सत्य सबसे बड़ा प्रूफ होता है बाबा कहते तुम ज्ञान भी सुनते हो लेकिन साथ में योग भी लगाते हो मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं कि मेरे से बुद्धि योग कैसे लगाओ तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे श्री कृष्ण से प्रीत तो बहुतों ने रखी स्वामी राम तीर्थ श्री कृष्ण के परम भक्त थे और बहुत भक्ति की तो साक्षात्कार हो गया लेकिन साक्षात्कार से खुशी तो हुई बहुत लेकिन आगे तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई बाबा कहते तुम केवल साक्षात्कार नहीं करते तुम तो प्रैक्टिकल में वैसे ही बनते हो तो तुम्हें योग भी बहुत अच्छा लगाना है और साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं बहुत अच्छे शब्द बोले बाबा ने गीता में भी ये है हे अर्जुन मैं आकर दिव्य और अलौकिक कर्म करता हूँ मेरे कर्म मनुष्यों जैसे नहीं होते वो दिव्य और अलौकिक होते हैं तो हमें भी बाबा कहते हैं तुम्हें भी दिव्य और अलौकिक कर्म करने अर्थात जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते जो पंडित विद्वान सन्यासी नहीं कर सकते दूसरों को भगवान से मिलाना आत्माओं को पावन कर देना उनको सत्य राह दिखा देना उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे देना दिला देना ये सब कार्य दिव्य और अलौकिक हैं तो बाबा ने आकर हमें बहुत अच्छी राहें दिखाई रोशनी दी हैं और इनके द्वारा हम ये दिव्य अलौकिक कार्य करते हैं तो हमें ये काम करने ही हैं इसमें समय निकालना है जितने ये बाबा के महान कार्य हम करते रहेंगे उतना ही हमारी अपनी भी उन्नति बहुत होगी हमारा ज्ञान बहुत रिफाइन होता जाएगा इससे हमें बहुत फायदे होंगे अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो व्यर्थ चलेगा व्यर्थ बढ़ेगा और हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा बाबा कह रहे हैं तुम्हें भविष्य का बहुत नशा होना चाहिए तुम नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले हो ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं मैं भक्ति करता था नारायण से बहुत प्यार करता था उसकी मूर्ति को बहुत सजा के साफ सुथरी करके रखता था बहुत ही प्यार था अब ये नहीं पता था कि मैं ही नारायण बनूंगा अब बाबा ने आकर ज्ञान दिया तो पता चल गया कि मुझे तो नर से नारायण बनना है इसीलिए मैं नारायण की बहुत प्यार से भक्ति करता था तो अब और ज्यादा प्यार हो गया अपने भविष्य से क्योंकि वही मेरा भविष्य है वरदान है ईश्वरीय प्राप्ति द्वारा लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं दुनिया में भी भाग्य की निशानी होती है ताज अर्थात कोई राजा के घर में जन्म ले तो लोग कहेंगे ना कितना भाग्यवान है ये व्यक्ति साहूकारों के घर में जन्म ले उसको भी भाग्यवान मानेंगे और भविष्य ताज का आधार है लाइट का क्राउन लाइट का ताज और लाइट का ताज मिलता है प्योरिटी से तो जब प्योरिटी आ जाती है तो लाइट का ताज बढ़ जाता है उसका और बड़ा हो जाता है और सब प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है बहुत सूक्ष्म बात कही अगर एक भी प्राप्ति की कमी है जीवन में तो ये जो क्राउन है ये हल्का हो जाएगा यानी इसकी जो लंबाई है कम हो जाएगी इसका जो तेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा मान लो किसी के जीवन में सुख तो है पर प्रेम नहीं है प्रेम तो है पर शांति नहीं है धन तो है पर संबंधों में मिठास नहीं है तो ये और कटता रहेगा ये पावरफुल नहीं बनेगा तो अपने को भाग्यवान नहीं मानेंगे स्लोगन है अपनी मनसा रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही सच्चे माधानी हैं तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ पवित्रता का फरिश्ता हूँ प्योरिटी का गोल्डन ओरा है, और मेरे चारों ओर फरिश्ते के चारों ओर भी पवित्रता का आभा मंडल है आज सारा दिन हम ये अभ्यास करते रहेंगे नशे में रहेंगे मैं परम पवित्र हूँ तो चारों ओर लाइट फैलती ही रहेगी ओम शांति